राजी ब रजाए रब, रब की रजा पर राजी रहना। ये बात कि जो भी कुछ हुआ या होगा वो इसने रब के बगैर ना हुआ है ना हो सकता है, ये तो ईमान का मंतकी तकाजा है। यहां पत्ता तक नहीं हिलता जब तक कि अल्लाह की इजाजत न हो, इज्जत ना हो। तो जो कुछ हुआ अल्लाह की इजाजत से हुआ, खा उसमें दरमियान में कितने ही अवामिल आ गए, किसी ने उठाकर आपको पत्थर मारा लेकिन ये पत्थर आपको नहीं लग सकता था अगर अल्लाह ना चाहता। पत्थर मारने वाले का अमल अपनी जगह है, लेकिन आपको इस पत्थर का लग जाना जो है ये बगैर इज्न रब नहीं है, लिहाजा इसको समझिए कि अल्लाह की तरफ से आया। एक इसमें लतीफा भी है कि एक दरवेश ये कहता हुआ जा रहा था एक जज्ब की कैफियत में, जो रब करे सो हो, जो रब करे सो हो, जो रब करे सो हो। एक शख्स ने उठाकर उसके सर पर पत्थर ने मारा, उसने पलट कर देखा तो शख्स ने कहा मुझे क्या देखते हो, जो रब करे सो हो। तो उस दरवेश ने जवाब दिया कि ये पत्थर मुझे तो रब के मारे ही लगा है, लेकिन मैं देख ही रहा था कि बीच में मुंह किसका काला हो गया, किसने अपने लिए जो है वो अजाब अल्लाह का कमा लिया, वरना मुझे बहरहाल ये पत्थर लगा है तो इसमें इज्न रब शामिल है। अच्छा, अब जो शय इज्न रब से हो रही है, बंदे मोमिन का अगर अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ मुखलिसाना है, उसमें मुनाफिकत नहीं है, उसमें रिया नहीं है, उसमें धोखा नहीं है, उसमें फरेब नहीं है, मुखलिस मुखलिसीन लहुद्दीन, तो अल्लाह ताला का ताल्लुक भी उसके साथ रेसिप्रोकेट करता है अल्लाह ताला। अना इंदा जन्ने अब्दी भी, हुजूर ये अल्लाह का कौल है हदीस कुदसी में कि मेरा बंदा मेरे बारे में जो कुछ गुमान करता है मैं वही सुलूक उसके साथ करता हूं। अल्लाह ताला भी मुखलिस है, अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, तो यकीनन जो कुछ हुआ है उसमें मेरे लिए खैर है, चाहे फौरी तौर पर मुझे नागवार गुजरा है, मुझे तकलीफ हुई है, मेरे लिए ये शय जो है नापसंदीदा है, लेकिन इन दी लॉन्ग रन मुझे यकीन है कि इसमें खैर है। बेयदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शयइन कदीर, अल्लाह तेरे हाथ में खैर ही खैर है, तू हर चीज पर कादिर है। अच्छा, जो होगा वो भी इज़्ने रब के बगैर नहीं होगा, यही तसव्वुर उसके बारे में होना जरूरी है। इसी का नतीजा ये निकलता है जिसको कुरान मजीद बार बार कहता है, बार बार कहता है, बार बार कहता है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क्या मतलब इसका? ना उन पर कोई खौफ है ना हुज़्न से दो चार होते हैं। आमतौर पर यह समझा जाता है कि यह आखिरत में होगा, आखिरत में तो बतमाम और कमाल होगा, दुनिया में भी होता है, खौफ किस बात का भाई? होगा वही जो मेरा रब चाहेगा, वो मेरा दोस्त है, मैं उसका वली, वो मेरा वली। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के दोस्त होते हैं, उनके ना कोई खौफ होता है ना हुज़्न होता है। खौफ किस बात का? होगा वो जो अल्लाह चाहेगा, और जो कुछ अल्लाह चाहेगा उसमें कोई ना कोई खैर होगा, चाहे फौरी तौर पर मुझे नजर ना आए। कुरान कहता है सूरह बकरा में, आसान तकरहु शैयन वह हुआ खैरुन लकुम, वह आसान तुहिब्बु शैयन वह हुआ शर्रुन लकुम। एन मुमकिन है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो, दरा हाले कि उसी में तुम्हारे लिए खैर हो, और एन मुमकिन है कि तुम किसी चीज को पसंद करो, दरा हाले कि उसमें तुम्हारे लिए शर हो। अल्लाह यालम व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। तुम अफआल व आमाल व अहवाल व वाकयात के जाहिर को देखते हो, उससे मुतासिर हो जाते हो, उसके पर्दे में क्या मशीयत इज़्ज़ती है, क्या इरादा खुदाबंदी है,
उसके पुष्ट पर क्या चीज है जो अल्लाह ताला को मतलूब है, ये हमें नजर नहीं आता। वी आर शॉर्ट साइटेड, हमारी निगाह जो है बस कुछ दूर तक जाती है, उससे आगे नहीं जाती। लिहाजा अफाल व अमाल व अहवाल व वाकयात के सिर्फ जाहिर पर हमारी निगाह है, बातिन पर तो है ही नहीं, लिहाजा हम उससे मुतासिर होते हैं। तो दर हकीकत ईमान का हासिल अला इन्ना औलिया अल्लाह है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई हुज़्न है ना खौफ है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी तरीके से कुरान मजीद जो है बुलंदतरीन मकाम जो इंसान का हो सकता है, उसकी ताबीर के लिए अल्फाज इस्तेमाल करता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। ये बाहमी रजामंदी है, दो तरफा, दो तरफा अल्लाह के साथ ताल्लुक होता है, दो तरफा ताल्लुक होता है। तुम अल्लाह से मोहब्बत करोगे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तुम अल्लाह के साथ मुखलिस होगे, अल्लाह ताला तुम्हें वाकईतन अपना मुखलस बंदा बना लेगा। तुम अल्लाह की तरफ चलकर आओगे, अल्लाह तुम्हारी तरफ दौड़ कर आएगा। तुम बारिश पर आओगे, अल्लाह हाथ बढ़ाएगा। तुम उसे महफिल में याद करोगे, अल्लाह उससे कहीं बेहतर महफिल में तुम्हारा तस्करा करेगा, मलाइका मुकर्रबीन की महफिल में। तुम अल्लाह को अपने दिल में याद करोगे, अल्लाह अपने जी में तुम्हें याद करेगा। ये दो तरफा मामला है। तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इन तंसरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक्दामकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह की मदद से मुराद क्या, अल्लाह के दीन की मदद, उसकी नुसरत, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ये रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु सूरह मायदा में भी आ रहा है, सूरह तौबा में, सूरह मुजादला में, सूरह बय्यना में, चार मरतबा।